Hey everyone, welcome to Inspire IAS. This is Amandeep Kaur. हमने environmental के series शुरू किए हुए हैं जो के about to finish हैं. अभी हमने next series जो next session के हैं वो भी शुरू कर लिए हैं. First part आज हम cover कर रहे हैं international relations and organizations current affairs from May 2019 to November 2019. So हमारे हर section के around 6 parts हो जाया करेंगे. उसके बाद हम December से current affairs करना शुरू कर देंगे जो के हम मई 2019 से अप्रैल 2020 तक के करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2020 के लिए कवर करेंगे. सो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, जितना भी मई से नवंबर तक जो कुछ भी न्यूज में रहा है, चाहे वो इंडिया के किसी के साथ रिलेशन में रिलेशंस जो कंट्रीज के साथ है वहां कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि उनमें से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस पे टर्म्स चल रहे होते हैं, किसी कंट्री में कुछ लॉ पास हुआ होता है वो कुछ हाईली इंपॉर्टेंट होता है तो वो भी न्यूज में चलता है, तो उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है. तो हम सब कुछ कवर करेंगे. सबसे पहले हम ग्रुपिंग से स्टार्ट करेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा G7 ग्रुपिंग जो न्यूज में थी, हम उन ग्रुपिंग्स को डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं न्यूज में थे, क्योंकि तब उनके जैसे कि हर ग्रुपिंग का सेशन हर साल ही ऑलमोस्ट हर साल हर ग्रुपिंग का होता है, कोई एक दो ग्रुपिंग है जिसके नहीं होते होंगे. सो जिसका जैसे भी सेशन होता है, जैसे भी किसी भी रीजन से वो न्यूज में है, तो हमने सब कुछ कवर किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है. तो सबसे पहले हम G7 को कवर करेंगे. G7 सबसे पहले हमें एक तो ये पता होना चाहिए, जैसे हम किसी भी ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं, कब फॉर्म हुई थी वो ग्रुपिंग, कौन कौन उससे उसके मेंबर्स हैं. अगर मेंबर्स 30, 40, 50 हैं तब तो सब नाम हम याद नहीं रख सकते और रिक्वायर्ड भी नहीं होते हैं. हमें याद रखना होता है एक तो ये कि इंडिया किसका पार्ट है. जो जिसका भी इंडिया मेंबर है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ग्रुपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और वो वाली ग्रुपिंग्स जिनके मेंबर्स बहुत कम है, जैसे कि G7 है और भी ग्रुपिंग्स हैं जिनके मेंबर 12-13 तक होते हैं, वो याद करने जरूरी होते हैं, क्योंकि कई बार यूपीएससी सिर्फ नाम देके ही पूछ लेता है कि ऊपर जैसे G7 लिखा है, नीचे 4-5 नाम लिखे हैं, नीचे ऑप्शंस है 1-2, 1-2-3 कुछ भी करके. सो इनके नाम याद करने जरूरी होते हैं. और किन के नाम करने नाम याद करने जरूरी होते हैं, जैसे कि कोई ग्रुपिंग है, बड़ी ग्रुपिंग है तो बहुत बड़ी, लेकिन मान लो न्यूज में ऐसे चल रहा है कि किसी कंट्री ने उसे बॉयकॉट किया है, तो हो सकता है कि उस ग्रुपिंग के बारे में लिख के ऐसा पूछ लिया जाए कि ये वाली कंट्री ऑप्शंस में एक लाइन ऐसी हो जाए कि ये कंट्री इसका मेंबर है कि नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो भी न्यूज में चलता है पिछले एक साल में वही पेपर में उसी में से स्टेटमेंट्स बना बना के पूछे जाते हैं. सबसे पहले G7 ग्रुप कब फॉर्म हुआ था. G7 ग्रुप जो है 1997 में फॉर्म हुआ था. सबसे पहले ये G7 ही था. G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं, मैंने मैप के इमेजेस दिए हैं ताकि थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी हो कि किस तरह से कौन कौन कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं. G7 मेंबर्स जो हैं वो IMF द्वारा जो माने गए हैं कि एडवांस्ड इकोनॉमीज है वही इसके मेंबर्स हैं. इसके मेंबर्स एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं. सो इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, सबसे पहले तो कनाडा एंड अमेरिका दोनों इसके मेंबर्स हैं. थर्ड जैसे कि यूके, यूरोपियन अगर यूरोप से देखें तो यूके है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, और इधर से देखें तो जापान है. तो कितने मेंबर हो गए इसके, 7 मेंबर हो गए. 1975 में इसको क्यों फॉर्म किया गया था. एक्चुअली क्या हुआ था कि 1960s लेट 60s में क्या हुआ था, जैसे कि आपको बताया हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि जो हमारे डेवलप्ड इकोनॉमीज है इनके पास एनर्जी रिसोर्सेज ज्यादा नहीं थे, ऑयल नहीं था इनके पास, तो ये क्या करते थे कि मिडल ईस्ट से ऑयल निकाल निकाल के अपने अपने कंट्रीज में लेके जाते थे, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते थे. तो क्या हुआ कि लेट 1960s में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी उन्होंने अपनी ग्रुपिंग बना ली. ग्रुपिंग का नाम था OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. तो इसके मेंबर्स जो कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट करते थे वो थे. सारे कंट्रीज जितने भी ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं वो इसके मेंबर नहीं थे और आज भी नहीं है, लेकिन जो मेजॉरिटी है जो ऑयल एक्सपोर्टिंग प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो इसके मेंबर थे. इन्होंने ये ग्रुपिंग इसलिए फॉर्म की थी ताकि क्योंकि इनको लग रहा था कि हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जैसे कि 19 जब सारे कंट्रीज जब डीकोलोनाइज हो चुके थे तब उनको रियलाइज होने लगा कि किस तरह से
हमें जो है बाकी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अब तक एक्सप्लॉइट करते हैं, हम जैसे ऑयल लेके चले जाते हैं वो भी इतने लोएस्ट प्राइसेस पे। तो उन्होंने ग्रुपिंग बनाई और तब ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, इतने बढ़ गए थे कि डेवलप्ड कंट्रीज को मुश्किल हो गया था कि वहां से कैसे बाय करें। तो इस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इनको इश्यूज होना शुरू हुए, तो G7 ग्रुप फॉर्म में आया। ये ज्यादातर क्योंकि ये डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं तो ज्यादातर जो इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज होते हैं ये वही डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जो है इसको 1997 में जाके ये G8 बन गया था, क्योंकि इसको रशिया ने ज्वाइन कर लिया था। सो G8 बन गया था क्योंकि इसको रशिया ने ज्वाइन कर लिया था। सो 1997 to 2014 ये G8 ही रहा। फिर उसके बाद 2014 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें अब तक जब तक आगे तक ये G7 ही है। तो ये ऐसे क्यों है? सबसे पहले 1997 में ये G5 था, 1975 में ये G7 था, 1997 में G8 हो गया क्योंकि रशिया ने इसको ज्वाइन कर लिया, 2014 तक ये G8 ही रहा। तो 2014 में ऐसा क्या हुआ कि रशिया को यहाँ से निकाल दिया गया, G7 फिर से बन गया? तो 2014 में यूक्रेन क्राइसिस हुआ था। यूक्रेन एक रशिया के पास ही रीजन है जो पहले यूएसएसआर का, जैसे यूएसएसआर एक बड़ा स्टेट होता था, रशिया उसका एक यूएसएसआर, जैसे अभी रशिया के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं सबको मिला के एक यूएसएसआर हुआ करता था। तो जो 1991 में क्राइसिस हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तब छोटे छोटे कंट्रीज से अलग हो गए। तो यूक्रेन तब यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, फिर अलग हो गया। तो यूक्रेन क्राइसिस में क्या होता है, उसका एक रीजन है क्रीमिया, उसकी एक प्रोविंस थी जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था। रशिया कहता था कि वहां के लोग खुद चाहते हैं कि वो रशिया के साथ जाएं, तो इसीलिए हमने उसे एनेक्स किया है, अपने साथ मिलाया है। लेकिन जैसे कि बड़े कंट्रीज है, यूएसए है, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने इसको G8 से निकाल दिया और फिर तब ये ग्रुपिंग G7 बन गई। और अब ये ग्रुपिंग G7 ही है, रशिया को इसमें इंक्लूड अभी तक नहीं किया गया और आगे भी चांसेस नहीं है कि किया जाएगा। तो ये G7 है। उसके बाद जो है इस बार जो है G7 2019 में जो इसका सेशन हुआ था, 2019 में G7 का जो सेशन हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इंडिया को भी इनवाइट किया, इसीलिए ग्रुपिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इंडिया को इनवाइट किया एज अ नॉन मेंबर कि आप आइए यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी अब वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया की काफी इंपॉर्टेंस है, इंडिया के बिना कोई भी कंट्री अब आगे नहीं बढ़ सकती है, इंडिया का इतनी इंपॉर्टेंस इंडिया को मिल गई है क्योंकि इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। सो इंडिया को यहाँ पे इनवाइट किया गया और इंडिया के साथ और भी काफी सारे कंट्रीज हैं जिनको इनवाइट किया गया, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, चाइल्ड, साउथ अफ्रीका, सेनेगल, इजिप्ट, ईरान एंड रवांडा। तो ये सारे इकोनॉमीज को भी, कंट्रीज को वहां पे इनवाइट किया गया, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया को भी वहां पे इनवाइट किया गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर कुछ डिस्कस किया जाए। तो हम ये नहीं डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सी ग्रुपिंग में डिटेल में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए या क्या क्या हो, क्योंकि वो मेंस का पार्ट होता है, उसको हमने एनालाइज भी करना होता है, क्योंकि हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, तो जितनी प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज है, जितना पेपर में स्टेटमेंट बन सकते हैं, पूछा जा सकता है, हम वो यहाँ पे कवर करेंगे, राइट? तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की जो फोर्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2019 है वो माले जो कि कैपिटल है मालदीव्स की, वहां पे ऑर्गेनाइज की गई। इसको ऑर्गेनाइज किया इंडिया फाउंडेशन ने, अलोंग विद इट्स पार्टनर्स फ्रॉम सिंगापुर, श्रीलंका एंड बांग्लादेश मिलके इन्होंने मालदीव्स में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। तो यहाँ पे ये एक एनुअल एफर्ट है, हर साल ये ऑर्गेनाइजेशन ये कॉन्फ्रेंस होती है टू ब्रिंग टुगेदर हेड्स ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर्स, थॉट लीडर्स, स्कॉलर्स, डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम अक्रॉस द रीजन। इन सबको बुलाया जाता है और थीम क्या थी, सिक्योरिंग इंडियन ओशियन रीजन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस। तो बेसिकली जैसे इंडियन ओशियन अब बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन चुका है, हर कंट्री यहाँ पे अपना, इवन डेवलप्ड कंट्रीज भी अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं इंडियन ओशियन रीजन में, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये है कि रिसोर्स रिच रीजन है, बहुत ज्यादा यहाँ पे मिनरल्स हैं, फिशरीज हैं, और एक बात ये भी है कि यहाँ पे जो बड़े ट्रेड रूट्स हैं वो यहीं से होके जाते हैं, और बाकी नेविगेशनल पर्पज से तो है ही,
इसके अलावा जो अब टेररिज्म जो है वो भी साउथ जो हमारा जो एशियन रीजन है जैसे साउथ का साउथ ईस्ट एशिया इंडियन ओशन में यहाँ पे थोड़ा पनपना शुरू हो गया, इसलिए वहां से इस रीजन को सिक्योर करना है। सो हमारा नेक्स्ट जो है वो है बिंस्टेक, जिसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आप जितनी भी ग्रुपिंग्स है उनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म से ही स्टेटमेंट बन जाती है। तो ये एक रीजनल ग्रुप है। रीजनल ग्रुप एंड इंटरनेशनल ग्रुप जैसे होते हैं ना, फर्क ये होता है कि इंटरनेशनल में किसी भी रीजन से किसी भी कॉन्टिनेंट से बहुत सारे कंट्रीज उसके मेंबर होते हैं। रीजनल ग्रुप का मतलब एक छोटा रीजन है, जैसे कि साउथ एशिया रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, तो वो रीजन के उस एक रीजन के अंदर के जो कंट्रीज होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। जैसे साउथ ईस्ट एशिया के रीजन के जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ही हो सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के यूरोप के जो है वो नहीं हो सकते हैं। तो ये एक रीजनल ग्रुपिंग है, 7 मेंबर्स हैं इसके। सबसे पहले इनिशियली इसके 4 ही मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स, जब इसको फॉर्म किया गया था 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। सो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको फॉर्म किया गया था। 4 इसके मेंबर थे, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड थाईलैंड। फिर लेटर ऑन जो है 3 इसके मेंबर न्यू और बन गए। इसको याद रखना बिल्कुल आसान है, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, 5 तो यहीं से हैं और साथ में एक म्यांमार एंड थाईलैंड है, सब जुड़े हुए हैं आपस में, है ना। अगर यहां से शुरू करें तो यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं, ऐसे आप सर्कल बनाइए ऊपर वाला ऐसे क्रिसेंट फॉर्म में, जैसे यहाँ पे है तो ये बन जाएगा जैसे श्रीलंका, इंडिया, देन इसको यहाँ नेपाल में भी लेके जाना है, ऐसे बनाइए, ठीक है। तो श्रीलंका ऐसे याद रखिए, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, और हो गया आपका काम। सो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो इसका परमानेंट सेक्रेटेरियट जो इसका हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में है, और इसके बारे में अभी 2018 में इसका अब तक का लास्ट समिट हुआ है, इसके बाद 2019 में इसका कोई मीटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, और वो नेपाल में हुआ था, वहां पे काठमांडू डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। अभी कभी न्यूज में पूछे के क्वेश्चन में पूछेंगे काठमांडू डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट विच ग्रुपिंग, तो आप बता सकते हो कि बिम्स्टेक से रिलेटेड है। 2018 में बिम्स्टेक का जो एक समिट था वो नेपाल में हुआ था। सो उसके बाद डिक्लेरेशन इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट बाय एंगेजिंग इट इन वेरियस टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रीजन। सो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। सो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एक फोरम है, कोई इसका परमानेंट कोई ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ एक फोरम है। इसको जो है रशिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने इसको 2015 में इस्टेब्लिश किया था, जिसका एम क्या था, विद द एम ऑफ सपोर्टिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रशिया फार ईस्ट रीजन। जैसे कि आपको पता है रशिया ऐसे करके बहुत बड़ी कंट्री है ना, तो इसका जो फार ईस्ट रीजन है ना ये डेवलप्ड नहीं है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली 2015 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ताकि स्पेसिफिकली इस रीजन के ऊपर फोकस किया जाए। एंड इसका मेन ये भी था कि एंड टू एक्सपेंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब जो जिस रीजन के ऊपर वर्ल्ड के जिस रीजन के ऊपर हर कंट्री की नजर है वो एशिया पैसिफिक रीजन है, तो यहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ाना भी इसका एक काम था। तो अभी क्या न्यूज में है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम न्यूज में क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि जो 2019 वाला समिट था वहां पे जैसे इंडिया को इन्वाइट किया गया, तो इंडिया ने जो तो 2019 वाला जो समिट था वो फोरम था वो फिफ्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम था, तो इसमें क्या किया, इंडिया ने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। इंडिया ने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस किया है यहाँ पे इस रीजन की डेवलपमेंट के लिए। इंगेजिंग क्लोजली विद ईस्ट एशिया वाज इन लाइन विद इंडियाज पॉलिसी गोल ऑफ एक्ट ईस्ट। एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो आपने सुनी होगी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पहले लुक ईस्ट हुआ करती थी, तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, जैसे कि सबको पता है कि फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने कितना इंटरेस्ट दिखाया है, तो उन्होंने कहा कि सोचा होगा है ना कि कब तक लुक करेंगे, सिर्फ अब एक्ट भी तो करना है, तो इस तरह से एक्ट ईस्ट पॉलिसी उन्होंने बनाई कि जो पहले के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पड़े थे ना उनको जो है कंप्लीट करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत सालों के पहले शुरू किए हुए थे लेकिन
कुछ काम नहीं चल रहा था तो उनको जो है कंप्लीट करना है, तो इसीलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई। तो इस तरह से एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है ये भी कि हमने ईस्ट एशिया रीजन के साथ जो है इंगेज करना है। उसके बाद एक टर्म आप और सुनते होंगे कई बार सीरीज वगैरह में होता है, एक्ट फार ईस्ट। एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी अगर पूछा जाए इट इज रिलेटेड टू, इट इज एसोसिएटेड विद रशिया। सो एक्ट फार ईस्ट, तो यहाँ पे ये वाला जो समिट है ये व्लादिवोस्तक रशिया में हुआ था, जो ईस्टर्न इकोनॉमिक समिट है ये व्लादिवोस्तक रशिया में हुआ था। तो ये इसके बारे में सब कुछ है जो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, दूसरा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। जो फोरम है वहां पे रशिया का वो इनिशिएटिव है कि उसके जो फार ईस्ट रीजन है उसको डेवलप किया जाए, और बाकी बहुत सारे बिजनेसेस को, जो बिजनेस ग्रुप्स हैं और कंट्रीज को वहां पे इनवाइट किया जाता है कि वो अपना इंटरेस्ट दिखाएं वहां की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एडवांटेज फिर दोनों का होता है, जो अपने प्रोजेक्ट्स वहां पे लगाएंगे उनको भी प्रॉफिट होगा, है ना, कंट्री को तो चलो होगा ही क्योंकि कंट्री डेवलप होगी। और सेकेंड जो है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, मतलब यूरोप एंड एशिया के कंट्रीज हैं दोनों को मिला के उनका इकोनॉमिक यूनियन है। इसके बारे में न्यूज में अगर हम ये पढ़ें तो कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, यूनियन को आप याद रखिए, इसके 5 मेंबर्स हैं। 5 मेंबर्स में से एक तो रशिया है, बेलारूस है, आर्मेनिया है, किर्गिस्तान है, कजकस्तान है। किर्गिस्तान कजकस्तान एक जैसे हैं तो याद रखे रह जाएंगे, रशिया तो है ही, उसके बाद 2 है बेलारूस एंड आर्मेनिया, 5 इसके मेंबर्स हैं। सो ये किस तरह की ग्रुपिंग है, इट हैज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड सर्विसेज एंड लेबर। तो ये एक ग्रुपिंग है 5 कंट्री जहां पे फ्री मूवमेंट होता है गुड्स सर्विसेज एंड लेबर का, इसका अपना एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। So it has international legal personality and is established by Treaty on Eurasian Economic Union. It is an international organization for regional economic integration. So ये एक region है, साथ साथ में लगे हुए countries हैं, तो इस तरह से एक regional economic integration है जहाँ पे free movement of goods, services and labor होता है। तो यहाँ पे इस साल ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि इस बार जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना। तो यहाँ पे इस बार इसको इस समिट यूनियन को ऑर्गेनाइज किया गया, इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसको इंडिया ने इसलिए स्किप किया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की, इंडिया ने स्किप किया इसकी मीटिंग को, इसको भी इन्वाइट इंडिया को किया गया था, तो इंडिया ने स्किप किया मीटिंग को, क्योंकि इसमें जो है पूरा का पूरा डिस्कस करना था जो चाइना का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है कि किस तरह से उसको बढ़ाया जाए। इंडिया तो इसके खिलाफ है क्योंकि उसका एक पार्ट जो है, जो एक कॉरिडोर है वो कश्मीर से होकर गुजरता है, हमारा जो ऊपर का कश्मीर के ऊपर का जैसे एरिया है वहां से होके गुजरता है, तो इस तरह से इंडिया को वो पसंद नहीं है, तो इंडिया तो उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है, तो इंडिया डिस्कस क्यों करता है, इसलिए इंडिया ने स्किप कर दिया मीटिंग को। नेक्स्ट हमारा है 12th समिट ऑफ अफ्रीकन यूनियन। सो अफ्रीकन यूनियन का 12th समिट हुआ था। अफ्रीकन यूनियन एक बड़ी, अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसके सारे मेंबर्स, जैसे उसके जो अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज है वो अफ्रीकन यूनियन के मेंबर है। अफ्रीकन यूनियन कब बना क्या हुआ इतना हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना, क्योंकि इसके मेंबर्स ही इतने सारे हैं, और क्योंकि ये एक रीजनल ग्रुपिंग है, इतनी फेमस ग्रुपिंग भी नहीं है, तो इसीलिए हमने जो इसके बारे में करंट में रह रहा है वो तो पढ़ना है, लेकिन इसका पास्ट क्या था उतना नहीं हमने पढ़ना, जितना मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में लिखा है उतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए उतना ही सफिशिएंट है। सो सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन के बारे में जो न्यूज है वो ये है कि इसका 12th समिट हुआ था अफ्रीकन यूनियन का, जो कि एक रीजनल ग्रुपिंग है, इसका 12th समिट हुआ था। नयामी में हुआ था नाइजर में। तो यहाँ पे क्या हुआ समिट में इम्पोर्टेंट काम ये हुआ कि इसमें से 54 जो इसके अफ्रीकन यूनियन के 55 कंट्रीज हैं, उसमें से 54 ने एग्री किया कि वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करेंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके लिए जरूरी था कि इसको एटलीस्ट 22 कंट्री साइन करें, रेटिफाई करें, तब ये
फोर्स में आएगा, तो वहीं पे इसको 27 कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया, तो इट मींस ये वहीं पे फोर्स में आ गया। लेकिन अभी जुलाई 2020 तक इसको टोटल पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। सो 12th समिट ऑफ अफ्रीकन यूनियन, जो कि अफ्रीका के एक सब सहारा रीजन में कंट्री पड़ती है नाइजर, जो कि एक टाइप की अंडर डेवलप्ड कंट्री ही हम कह सकते हैं, तो नाइजर में इसका समिट हुआ था नियामी में। तो वहां पे 54 कंट्रीज ऑफ द 55, जो कि टोटल 55 है, उसमें से 54 ने एग्री किया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। अब क्या है कि जो जैसे कि बाकी रीजन्स है ना, उनमें आपस में जितनी ट्रेड होती है उतनी अफ्रीका के रीजन में नहीं होती, अफ्रीकन कंट्रीज में आपस में ट्रेड नहीं होती है ज्यादा, क्योंकि वैसे भी अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहते थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि ये तो डेवलप्ड रीजन ही नहीं है, है ना, ये तो लास्ट वर्ल्ड का रीजन हम कह सकते हैं जिसपे दुनिया की नजर पड़ी है। अभी इसको होप ऑफ आइलैंड कहा जा रहा है, एक टाइम पे इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, अभी होप कॉन्टिनेंट ऑफ होप कहा जा रहा है इसको, क्योंकि सब कंट्रीज इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, जैसे चाइना इंटरेस्ट दिखा रहा है, यूएसए, सारे कंट्रीज, अभी इंडिया ने भी यहाँ पे शुरू कर दिया है अपना काम, तो यहाँ पे सब अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो अब FTA है ये ऑपरेशनल हो जाएगा, बस क्योंकि इसको रेटिफाई तो कर दिया है, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा कंट्रीज ने ही कर दिया है। तो एक कंट्री जिसने इसको साइन नहीं किया वो है एरिट्रिया है, एरिट्रिया है। तो हम ना क्या करेंगे कि जो जो कंट्रीज न्यूज में रह रहे हैं ना उनको मैं अलग से नोट कर रही हूँ, तो उनके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, मैप के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन प्लेसेज है जो न्यूज में रहे हैं, जैसे एरिट्रिया है और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो न्यूज में रहते हैं, उनको सेपरेटली हम अलग से मैप के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उनकी लोकेशन क्या है। तो अभी क्या है कि द फ्री ट्रेड जोन यहाँ पे जुलाई 2020 में ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि इसके बेनिफिट्स तो डेफिनेटली बहुत सारे हैं, क्योंकि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंक्रीज इन फिस्कल रेवेन्यू, ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे जो आपस में इतनी ट्रेड इनकी होती नहीं थी, अब इस FTA की वजह से आपस में ट्रेड बढ़ जाएगी। सो इससे रिलेटेड एक और न्यूज ये है कि नाइजर जो है नियामी में जो हुआ था अफ्रीकन यूनियन का समिट, फर्स्ट टाइम नाइजर ने ऐसे इसको होस्ट किया था, लेकिन नाइजर जैसे कि मैंने बताया कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो इंडिया ने $50 मिलियन का एक पैकेज दिया नाइजर को कि वो अपने वहां पे इस समिट को ऑर्गेनाइज करा सके। अब इंडिया ने पैकेज क्यों दिया, इंडिया को क्या पड़ी थी उसको पैकेज देने की, है ना, तो इंडिया को जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अभी इसको कॉन्टिनेंट ऑफ होप कहा जा रहा है, यहाँ पे इंडिया ने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, और इंडिया के जो इंडियन लोगों के थ्रू वहां पे प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं ना, उनको अफ्रीकन जो लोकल पीपल है वो एक्सेप्ट कर ले, चाइना के प्रोजेक्ट्स को उनके लोकल्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि चाइना का ऐसा होता है कि हर जगह अपना दबदबा बनाना है उसने और अपने ही लोगों को लेके जाएगा, वहां पे काम करना है तो अपने ही लोगों को लेके जाएगा, अपने ही वहां पे अफ्रीका में इतनी जगह पे चाइना टाउन बने हुए हैं जहां पे सिर्फ चाइनीज लोग रहते हैं, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता, इंडिया लोकल्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, लोकल्स के साथ जो जितने भी इंडिया वहां पे जाके प्रोजेक्ट लगाता है, तो वहां पे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो खुद के वहां पे लोकल्स हैं उन्हीं को काम दिया जाता है। तो इंडिया जो है, इंडिया की पॉलिसी वहां पे एक्सप्लॉयटेशन की बिल्कुल नहीं है, चाइना की जो पॉलिसी है वहां पे एक्सप्लॉयटेशन की है, चाइना की खैर हर जगह ही एक्सप्लॉयटेशन की है लेकिन यहाँ पे भी है। अब लोग इतने बेवकूफ तो होते नहीं ना कि उनको समझना है, पहले पहले उनको अच्छा लगा होगा कि हाँ इतने इतने प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ गया कि क्या पॉलिसीज है। तो इंडिया की जो पॉलिसीज है वो काफी हद तक उनको सही लग रही है, इंडिया को वहां पे बहुत एक्सेप्टेंस मिल रहा है। तो इस तरह से इंडिया ने जो यहाँ पे पैकेज दिया नाइजर को होस्ट करने के लिए, ये इसीलिए है ताकि इंडिया की एक्सेप्टेंस यहाँ पे और बढ़े, इनके साथ इंडिया आगे चल के और इनका काम अच्छा बढ़े, इंडिया की प्रेजेंस वहां पे बढ़े। सो इसी पैकेज के अंडर एक कन्वेंशन सेंटर नाइजर में बनाया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर इंडिया ने सोचा है कि अराउंड 20 कन्वेंशन सेंटर जो अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज में इंडिया डेवलप करेगा। सो इंडिया इज ऑल्सो सेटिंग अप अ सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशंस इन रूरल डेवलपमेंट इन नियामे एज अ ग्रांट प्रोजेक्ट। नाइजर में है नियामे, तो वहां पे जो है अफ्रीकन यूनियन का समिट हुआ था, तो वहीं पे अब इंडिया एक तो कन्वेंशन सेंटर बनाएगा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशंस इन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है एक इंडिया बना रहा है महात्मा गांधी IT एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क विल बी लॉन्च्ड इन ग्रैंड बसाम कोट डी अवॉयर।
तो यहाँ पे हमें तीन कंट्रीज मिल गए हैं, एक तो इरिट्रिया है ना जिसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, सेकंड जो है नाइजर, थर्ड जो है कोट डी अवॉयर। तो ये तीनों की लोकेशन हम मैप जब करेंगे तब वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या है, 12th समिट ऑफ अफ्रीकन यूनियन जो है वो नाइजर नियामे में हुआ, इंडिया ने $50 मिलियन का पैकेज दिया। अब इंडिया क्या कर रहा है, कन्वेंशन सेंटर बनाएगा नाइजर में और एक जियो इन्फॉर्मेटिक एप्लीकेशन इन रूरल डेवलपमेंट सेंटर बनाएगा और एक महात्मा गांधी आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनेगा कोट डी अवॉयर में। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, कई बार आप टीम नाइन जो है सुनते होंगे न्यूज में आता है टीम नाइन, तो टीम नाइन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। इंडिया ने क्या सोचा था कि अपनी इकोनॉमिक रीच को एक्सपैंड करने के लिए अफ्रीका में 2004 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसकी फुल फॉर्म है टेक्नो इकोनॉमिक अप्रोच फॉर अफ्रीका इंडिया मूवमेंट। सो यहाँ पे कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, टीम नाइन का मतलब है, टीम का फुल फॉर्म तो ये है टेक्नो इकोनॉमिक अप्रोच फॉर अफ्रीका इंडिया मूवमेंट। नाइन में कौन कौन आता है, 8 तो एनर्जी एंड रिसोर्स रिच जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जैसे कि आइवरी कोस्ट है, सेनेगल, माली, गुनी बिसाओ, घाना, बुर्किना फासो, और नाइन्थ जो है वो इंडिया है। उसके बाद जो है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, द इनिशिएटिव वाज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर पॉलिसी टू इंगेज द अंडर डेवलप्ड येट रिसोर्स वेल्दी कंट्रीज ऑफ वेस्ट अफ्रीका विच रिक्वायर्ड बोथ कोस्ट लो कोस्ट टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट्स टू डेवलप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऐसा था जिसपे दुनिया की पहले नजर ही नहीं पड़ी, इसके रिसोर्सेज को तो एक्सप्लॉइट किया गया लेकिन उतना यहाँ पे इसमें डेवलपमेंट बिल्कुल कहीं नहीं है। कुछ कुछ कंट्रीज हैं अफ्रीका के, जैसे साउथ अफ्रीका काफी डेवलप्ड कंट्री है और थोड़े बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। हर यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा इश्यूज है, अंडर डेवलप्ड रीजन है, तो यहाँ पे ना तो इनके पास टेक्नोलॉजी है ना ही इनके पास इन्वेस्टमेंट्स है, तो यहाँ पे इनको हर चीज की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, इन्वेस्टमेंट्स की भी जरूरत है। तो इंडिया ने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए टीम नाइन को फॉर्म किया था। नेक्स्ट है इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस फॉर सेटिंग अप इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन मलावी। तो मलावी जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में पड़ती है, तो यहाँ पे इंडिया एक इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश करेगा। सो दिस विल बी अ पैन अफ्रीकन इंस्टीट्यूट। तो ऐसा नहीं है कि अगर मलावी में इंस्टीट्यूट अगर बना है तो सिर्फ मलावी के लिए, ये पैन अफ्रीका इंस्टीट्यूट है जहां पे ट्रेनिंग जो है मलावी से भी आएंगे और अदर अफ्रीकन कंट्रीज से भी आएंगे, जहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज को वहां पे डेवलप किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी ताकि वो अफ्रीका के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। सो उसके बाद जो है, दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंस्टीट्यूट डेवलप्ड इन एन अफ्रीकन कंट्री बाय इंडिया। सो इस तरह का इंस्टीट्यूट इंडिया ने पहले किसी भी अफ्रीकन कंट्री में नहीं किया था, इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंस्टीट्यूट। दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मलावी एंड दैट ऑफ इंडियाज रिलेशन विद अफ्रीकन यूनियन। तो इस तरह के और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स इंडिया ले रहा है, बहुत सालों से ले रहा है। तो जो जो रिसेंटली न्यूज में थे पिछले एक साल में, जैसे मई से जो न्यूज में थे, वो हमारे लिए कवर करने बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमने वो कवर कर लिए हैं इंडिया अफ्रीका से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आसियान अनदर रीजनल ग्रुपिंग। सो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका सेक्रेटेरिएट जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल थी, अब जो है क्योंकि जकार्ता जो एरिया है वो सिंक हो रहा है पानी में थोड़ा थोड़ा करके, तो यहाँ पे खतरा है क्योंकि कैपिटल में सारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ऑफिसेस वगैरह वहीं पे होते हैं, तो इंडोनेशिया ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट करें। खैर ये आसियान से रिलेटेड नहीं है जो मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन ये करंट अफेयर्स का पार्ट है कि इंडोनेशिया, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया अपनी न्यू कैपिटल कौन सी बनाने वाला है ना, तो इंडोनेशिया ने की कैपिटल जकार्ता थी, अब नहीं है, तो इंडोनेशिया ने सोचा है कि एक सेफ जगह पे उसकी कैपिटल होनी चाहिए, तो जकार्ता को छोड़कर उन्होंने कहा है कि जो बोर्नियो आइलैंड है, तो बोर्नियो आइलैंड पे जो है इंडोनेशिया अपनी न्यू कैपिटल बनाएगा जिसका नाम होगा ईस्ट कालीमंतन। सो इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल होगी बोर्नियो आइलैंड पे होगी, जिसका नाम होगा ईस्ट कालीमंतन। सो बैक टू आसियान।
सो आसियान में हम पढ़ रहे थे, इसका सेक्रेटेरिएट जकार्ता में हो सकता है आने वाले टाइम में जकार्ता से इसका सेक्रेटेरिएट शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन अभी नहीं है, अभी इसका सेक्रेटेरिएट जकार्ता ही है। सो इसको 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन आपको पहले भी आपको याद होगा, बिम्स्टेक हमने पढ़ी थी, वो भी बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ही इस्टेब्लिश हुई थी। आसियान भी बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ही इस्टेब्लिश हुआ। डिक्लेरेशन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन एक ही प्लेस पे होने की वजह से वो भी बैंकॉक डिक्लेरेशन है और ये भी बैंकॉक डिक्लेरेशन है। सो 67 में आसियान को जो रीजनल ग्रुपिंग्स है ना, बहुत सारी अलग अलग, जैसे साउथ ईस्ट सार्क है जो साउथ एशिया की है, आसियान साउथ ईस्ट एशिया की है, ऐसे करके और भी ग्रुपिंग है। तो जितने भी रीजनल ग्रुपिंग्स है उनमें से जो मोस्ट सक्सेसफुल जिसको माना जाता है वो आसियान है। आसियान को माना जाता है कि इनके कंट्रीज का आपस में बहुत अच्छे से ठीक से ये निभा रहे हैं, लेकिन अब जो है आजकल थोड़ी, आजकल नहीं काफी सालों से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। पहले ये ग्रुपिंग जो थी इनकी, ये जुड़े हुए थे, मतलब कहने का मतलब इनकी सोच जुड़ी हुई थी, ये सब एक थे, लेकिन अब इनमें जो है फर्क, इनमें जो है थोड़ा वो, इनमें डिस्टेंस आना शुरू हो गया है। वो इस तरह से कि आसियान के अंदर जो मेंबर्स हैं वो कुछ जो है प्रो चाइना स्टैंड लेते हैं, कुछ एंटी चाइना स्टैंड लेते हैं। तो इस वजह से कुछ कंट्रीज हैं जो चाइना को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आसियान रीजन चाइना के तो एकदम पास है, ये आसियान वाले कंट्रीज हैं चाइना के एकदम पास है, साउथ चाइना सी जो है उस पर इशू चलता रहता है। तो कुछ आसियान कंट्रीज चाइना को सपोर्ट करते हैं, कुछ जो है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस ग्रुपिंग में भी मेंबर्स अब थोड़ा थोड़ा आपस में इश्यूज होना शुरू हो गए हैं उनके। सो आसियान 67 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। 1997 में आसियान विजन अडॉप्ट किया गया था, आसियान विजन 2020। तो 1997 में क्या हुआ था, एक टर्म है एशियन क्राइसिस, एशियन, ये आसियान नहीं है, एशियन क्राइसिस है, एशियन क्राइसिस 1997। इसका मतलब ये है कि क्या हुआ था ना कि ये वाली जो साउथ ईस्ट एशिया के इधर के जो कंट्रीज थे ये पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन तब क्राइसिस आया कि इनकी इकोनॉमीज एकदम गिरना शुरू हो गई। पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छा, लेकिन 1997 में एशियन क्राइसिस आया तो इनकी इकोनॉमीज गिरना शुरू हो गए। तो इन्होंने फिर से, ये कंट्रीज एक साथ आए, तो इन्होंने अपना एशियन आसियान विजन 2020 रिलीज किया अपने लिए, कि किस तरह से अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। उसके बाद है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आसियान लेड फोरम्स। सो आसियान कोई एक फोरम नहीं है, इसके अंदर, इसके साथ कुछ और भी फोरम है। सबसे पहले तो आसियान ही बना था, उसके बाद आसियान रीजनल रीजनल फोरम बना। सो सबसे पहले क्या बना, सिर्फ सबसे पहले तो आसियान ही बना था 1967 में, उसके बाद बना आसियान, आसियान रीजनल फोरम। सो रीजनल फोरम कब बना, 1993 में। इसके 27 मेंबर हैं जो कि हमने याद नहीं करने हैं, क्योंकि इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया इंडिया इसमें नहीं है, तो ये रीजनल फोरम है, तो इसीलिए 27 मेंबर है हमने याद नहीं करने। हमने सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो आसियान लेड और कितने फोरम्स हैं। सो एक तो आसियान है, सेकंड जो है आसियान लेड, आसियान रीजनल फोरम है, थर्ड जो है आसियान प्लस थ्री फोरम है, आसियान प्लस थ्री। तो ये एक कंसल्टेटिव ग्रुप है जो कि इनिशिएट किया गया था 1997। इसके मेंबर्स कौन कौन है, आसियान कंट्रीज 10 मेंबर्स है, हमने डिस्कस नहीं किया अभी, है ना। तो आसियान कंट्रीज 10 मेंबर्स हैं, इनिशियली 5 मेंबर्स ही थे, इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो 5 ही थे। याद नहीं करना है कि कौन से थे, क्योंकि इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं बनेगी कि पहले 5 कौन से थे फिर कौन 10 बने। हमें ये पता होना चाहिए कि 10 मेंबर्स हैं और 10 मेंबर कौन कौन से हैं। इतना मुश्किल नहीं है याद करना, साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी 10 कंट्रीज है वो सब इसके मेंबर ही हैं। सो अभी इसके 10 मेंबर्स हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं। ये रहे इसके मेंबर्स, म्यांमार है, थाईलैंड है, कैम्बोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, लाओस है, फिलीपींस है एंड ब्रुनेई है। ये 10 इसके मेंबर्स हैं। तो आप ये मैप देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारा इंडिया है इधर, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ से हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे आके जितना भी आगे आगे, यहाँ पे म्यांमार है, फिर थाईलैंड, यहाँ पे म्यांमार है, फिर थाईलैंड है, इधर जैसे भी करके सारे कंट्रीज मिल रहे हैं। ये इंडोनेशिया है, यहाँ पे सिंगापुर है, यहाँ पे मलेशिया, इधर मलेशिया भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, सारे जो इधर के मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स इसके मेंबर्स हैं।
उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं कि हम पढ़ रहे थे आसियान लेड फोरम्स, जिसमें हमने सबसे पहले आसियान रीजनल फोरम पढ़ा जिसके 27 मेंबर्स हैं, आसियान प्लस 3 कंसल्टेटिव ग्रुप 1997 में बना था। इसके मेंबर्स कौन कौन है, क्योंकि ये आसियान प्लस 3 है तो नाम से ही पता है कि आसियान 10 मेंबर्स तो इसके होंगे ही होंगे। प्लस 3 कौन से हैं, चाइना जापान एंड साउथ कोरिया, चाइना जापान एंड साउथ कोरिया याद रखना है क्योंकि ये एक ही साथ है, चाइना के साथ जापान एंड साउथ कोरिया तो याद रख सकते हैं ना, आसान है क्योंकि तीनों कंट्रीज एक ही साथ है। सो उसके बाद एक और इसका जो हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ईस्ट एशिया समिट, जो भी जो कि आसियान के आसियान ही इसको गवर्न करता है। तो ईस्ट एशिया समिट क्यों इंपॉर्टेंट है, ईस्ट एशिया समिट हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ भी चुकी है। फर्स्ट जो हुआ था इसका मीटिंग 2005 में हुआ था, इसके मेंबर्स हैं आसियान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, इंडिया। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईस्ट एशिया समिट का मेंबर इंडिया भी है, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया में नहीं, हमारी कंट्री की लोकेशन है, लेकिन ईस्ट एशिया तो इसीलिए ईस्ट एशिया समिट आसियान। देखो आसियान कंट्रीज जो है कोई बहुत बड़े कंट्रीज तो है नहीं, है ना, 10 के 10 कंट्रीज कोई बहुत बड़े कंट्रीज तो है नहीं, छोटे कंट्रीज है, इतनी इकोनॉमीज भी उनकी बहुत बड़ी नहीं है, तो इनको भी डेफिनेटली बड़े कंट्रीज की जरूरत है जिनके साथ ये कंसल्ट करें, और बड़े कंट्रीज को इनकी जरूरत है, तो मिलकर इन्होंने ईस्ट एशिया समिट बना दिया कि आसियान के मेंबर्स, तो इसके मेंबर हैं ही ईस्ट एशिया समिट के, आसियान के मेंबर्स तो डेफिनेटली है ही क्योंकि आसियान लेड फोरम है। बाकी 6 मेंबर्स जो है, 6 नहीं 3 4 5 6 7 8, तो 8 मेंबर्स और हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आसियान तो इसका मेंबर है ही, आसियान के 10 मेंबर तो है ही, 10 + 8, ये है ईस्ट एशिया समिट जिसमें से एक तो इंडिया ही है। 7 कौन कौन से है, 7 जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, जो कि एक साथ है ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक साथ ही है तो याद रखा जा सकता है। उसके बाद चाइना जापान रशिया कोरिया एक साथ है, चारों एक साथ है, एक साथ ही पढ़ते हैं ना, ऊपर रशिया नीचे चाइना, इधर जापान एंड कोरिया है, चारों एक साथ है, 4 ये हो गए, एक इंडिया तो वैसे ही याद रहेगा, और एक है यूएसए जो थोड़ा अलग से है, बाकी सब तो साथ साथ ही है आसियान, है ना, बाकी जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चाइना जापान रशिया कोरिया एंड यू एंड इंडिया भी चलो इधर साथ ही आ गया, लेकिन यूएसए जो है थोड़ा दूर है, तो इसके मेंबर है 10 + 8 में 8 को हमने इजीली याद रखना है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक साथ है, बाकी 4 जो है चाइना जापान रशिया कोरिया एक साथ है, बाकी 2 है इंडिया एंड यूएसए। इसका एक और फोरम है वो है इंडिया आसियान समिट। इंडिया आसियान समिट का मतलब है इसके 11 मेंबर हम कह सकते हैं, आसियान तो जो है इसके 10 कंट्रीज इसके मेंबर ही है, प्लस 1 इंडिया है, तो ये स्पेसिफिकली आसियान के कंट्रीज इंडिया के साथ जो अपनी मीटिंग वगैरह करते हैं, तो वो इंडिया आसियान समिट है। फर्स्ट इसकी मीटिंग 2002 में हुई थी, आसियान जो 1991 से पहले जो है हम जो है हमारी थोड़ी क्लोज इकोनॉमी टाइप हमारा सिस्टम हुआ करता है, उसके बाद जब है रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, इंडिया में भी फाइनेंशियल टाइप का क्राइसिस आया, तो इंडिया को जो है फिर न्यू मार्केट्स की न्यू कंट्रीज के सपोर्ट की जरूरत थी, क्योंकि रशिया जो है इसका ऑल वेदर फ्रेंड तब तक था, लेकिन फिर रशिया का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, रशिया उतना बड़ा कंट्री इतना पावरफुल कंट्री तब नहीं रह गया था, तो इंडिया ने रियलाइज किया कि इंडिया को जो है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था, IMF ने जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसने रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए थे इंडिया को, क्योंकि उन्होंने लोन दिया था तो उन्होंने बहुत सारे कंपल्शंस लगाए थे कि आपको जो है अपनी कंट्री को ओपन करना है, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है बाहर से, जैसे कि आपने इंपोर्ट भी करना है एक्सपोर्ट भी करना है, तो हमें न्यू मार्केट्स की जरूरत थी, तो हम गए सबसे पहले आसियान की कंट्रीज के पास, हमने लॉन्च की लुक ईस्ट पॉलिसी कि हम इनके साथ डील करेंगे, इनके साथ अच्छे से हम मीटिंग्स वगैरह करेंगे, तो इनके साथ हमारी अच्छी जमने लग गई थी, तो इसीलिए इन्होंने भी आसियान के कंट्रीज ने भी हमें इंडिया में इंटरेस्ट दिखाते हुए फर्स्ट जो समिट आसियान ने इंडिया के साथ ऑर्गेनाइज किया था वो था 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पहले के पीएम थे तब के, उन्होंने ये इस समिट को फर्स्ट समिट को अटेंड किया था। तो जो 2002 में फर्स्ट समिट हुआ था, अब 2019 में इंडिया आसियान समिट का 16th समिट हुआ था। अभी हमने इसके बारे में बेसिक जो भी था आसियान के बारे में सब कुछ कवर कर लिया, इसके बाहर बेसिक्स में आसियान में कुछ भी नहीं है, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे आसियान से रिलेटेड। 16th इंडिया आसियान समिट जो है मीटिंग कहाँ पे हुई थी, बैंकॉक में। आसियान के ना हर साल में 2 समिट होते हैं,
एक साल के मिड में होता है, एक साल के एंड में होता है, तो यहाँ पे दो समिट होते हैं हर साल होते हैं आसियान के, हम बेसिक आसियान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो समिट होते हैं, दोनों एक ही जगह पे होते हैं। तो आसियान का एक समिट जून में हुआ था, बैंकॉक में हुआ था। आसियान को बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ही एस्टैब्लिश किया गया था और 2019 में इसके दोनों समिट बैंकॉक में ही हुए थे, तो याद रखना आसान है। सो एक जून में हुआ था अराउंड, तो तब जो है बैंकॉक में हुआ था, एक नवंबर में हुआ आसियान का समिट वहां पे, वो भी बैंकॉक में हुआ। तो आसियान के समिट के साथ साथ ही इंडिया आसियान समिट भी हो गया, जो कि 16th था, 16th इंडिया आसियान समिट बैंकॉक में हो गया। तो उसके बाद जो है इसके साथ और कौन कौन से समिट एक ही जगह पे हो गए थे, सो 35th आसियान समिट जो है अपना बेसिक समिट जो है आसियान का, 35th आसियान समिट जो है वो भी वहीं पे हो गया, वहीं पे ही 16th इंडिया आसियान समिट हो गया, वहीं पे ही 14th ईस्ट एशिया समिट जिसका इंडिया भी मेंबर है वो भी वहीं पे हो गया। सो थर्ड मीटिंग ऑफ रिसेप जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक टाइप का फ्री ट्रेड एरिया इसको बनाने की कोशिश की जा रही है आसियान के साथ साथ 6 और कंट्रीज हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं, जिनमें नेगोशिएशंस चल रहे हैं लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। इंडिया को बहुत सारे इश्यूज हैं रिसेप्ट से, सो ये चल रहा है, मीटिंग्स इसके टाइम टू टाइम होते रहते हैं लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। सो मीटिंग चल रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ। तो एक ही जगह पे बैंकॉक में नवंबर में 4 समिट एक ही जगह पे हो गए, सो आसियान भी हो गया, इंडिया आसियान भी हो गया, ईस्ट एशिया समिट भी हो गया, रिसेप भी वहीं पे हो गया। तो वहां पे थोड़ा डिस्कस तो इन्होंने वही करना होता है ना, सारी हर जगह एक ही टॉपिक होते हैं, सोशियो कल्चर फ्रंट पे, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, कल्चरल एक्सचेंजेस, ह्यूमैनिटेरियन एड, टूरिज्म, यही सब कुछ ही होता है। उसके बाद जो है जो रिसेप है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट, वहां पे क्या हुआ, ट्रेड नेगोशिएशन डील इज येट टू बी फाइनलाइज, अभी फाइनल करनी है, बातें चल रही है, कुछ हुआ नहीं है फाइनल, क्योंकि सारे कंट्रीज को ही अपने अपने इश्यूज हैं, इंडिया को भी काफी इश्यूज हैं, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। सो पीएम ने वहां पे एड्रेस किया इंडियन कम्युनिटी को जब वहां पे बैंकॉक में गए, वहां पे एट द स्वास्दी पीएम मोदी इवेंट इन बैंकॉक। सो स्वास्दी जो है लैंग्वेज, ये थाई लैंग्वेज का वर्ड है स्वास्दी, जिसका मतलब है ग्रीटिंग्स एंड गुड बाय। सो उसके बाद जो है जो इंडिया आसियान समिट हुआ था ना बैंकॉक में, यहाँ पे जो बैंकॉक जो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ को चेयर किया पीएम मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। तो उसके बाद वहीं पे ईस्ट एशिया समिट भी हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था कि थीम ऑफ द ईस्ट एशिया समिट वॉज चोजन बाय थाईलैंड एंड द थीम इज एडवांसिंग पार्टनरशिप्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। सेप्टेम्बर में क्या हुआ था, इंडिया को होस्टेड द इंडिया आसियान वर्कशॉप हुई थी, इंडिया आसियान समिट से पहले सितंबर में इंडिया आसियान वर्कशॉप हुई थी ऑन द थीम सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज। सो इस साल दिस ईयर इन 2019 14th ईस्ट एशिया समिट इज टू फोकस ऑन रिव्यूइंग द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज व्यू ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। सो उसके बाद जो है ये हमने डिस्कस कर लिया, आसियान के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जितने भी आसियान का समिट वगैरह जो भी हुआ था हमने वो भी डिस्कस कर लिया है। एक ही साथ जो समिट्स हुए थे यहाँ पे, जैसे कि ईस्ट एशिया समिट भी यहीं पे हो गया था, आसियान भी यहीं हो गया, इंडिया आसियान भी यहीं पे हो गया, और इसके साथ रिसेप की मीटिंग भी यहीं पे हो गई। और एक जो है इंडिया ने लगे हाथ जो इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ मीटिंग्स करनी थी, जैसे इंडिया इंडोनेशिया समिट भी हो गया, समिट नहीं कह सकते, टॉक्स ही कह सकते हैं, इंडिया इंडोनेशिया टॉक्स हो गए, इंडिया म्यांमार टॉक्स हो गए, इंडिया थाईलैंड टॉक्स हो गए। तो जो इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ टॉक्स होती हैं, जैसे इंडिया जापान टॉक्स हो गए, तो पीएम ने सोचा होगा कौन सा है ना, बार बार हम विजिट करेंगे कंट्रीज को, अब लगे हाथ जब मिले ही हैं तो सारे काम ही निपटा लेते हैं। वैसे भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है काफी मेहनती है ना, हम बहुत सारा काम जो है वो करते रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ काम ही करते रहते हैं हमेशा। तो इन्होंने सोचा होगा कि अब लगे हाथ जो है इंडिविजुअली जो कंट्रीज के साथ बातचीत करनी है वो भी निपटा लेते हैं, तो वहीं पे सारी बातें हो गई। उसके बाद एक और न्यूज है आसियान से ही रिलेटेड है, आसियान से रिलेटेड ये है कि आसियान और इंडिया इन्होंने एग्री किया है कि इन्होंने ना 2009 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन गुड्स जो है 2009 में इन्होंने साइन किया था। तो अभी जो है इस वक्त आफ्टर 10 ईयर्स इन्होंने सोचा कि इंडिया और आसियान का जो एग्रीमेंट है उसको थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें बहुत चेंज हो जाती हैं, इकोनॉमी चेंज होती है, कितना कुछ हर दिन चेंज होता है ना सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो इन्होंने सोचा इसको रिव्यू किया जाए।
सो इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत ही बातें आसियान से रिलेटेड, जैसे इंडिया जो है आसियान का सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना 1992 में, उसके बाद फुल डायलॉग पार्टनर बना 1995 में, एंड मेंबर बना आसियान रीजनल फोरम का 1996 में, जो आसियान का रीजनल फोरम हमने डिस्कस किया था उसका भी इंडिया मेंबर है, उसका भी मेंबर इंडिया, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें इतने सारे मेंबर्स हैं और उसकी उस पे जो है ज्यादा कुछ डिस्कस भी नहीं होता है, लेकिन ईस्ट एशिया समिट में कम मेंबर्स हैं तो वहां पे ज्यादा बातचीत होती है तो इम्पोर्टेंट है. सो आसियान रीजनल फोरम का भी इंडिया मेंबर है. कब बना था? 1996 में बना था. सो इन 2003 अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाज साइन टू प्रोवाइड एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू इनेबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सो 2009 में इंडिया और आसियान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था बैंकॉक में. सो उसके बाद जो है इन एडिशन आसियान इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ था, ट्रेड पहले सिर्फ गुड्स में हुआ था, फिर उसके बाद सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट में भी 2015 में इन्होंने कर लिया था. 2017 में इन्होंने अपने 25 ईयर्स ऑफ डायलॉग पार्टनरशिप कंप्लीट किए थे एंड 5 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है आसियान के बारे में, आसियान के बारे में जो बेसिक पता होना चाहिए, आसियान के बारे में जो करंट अफेयर्स चल रहे थे वो सब डिस्कस कर लिया है. अगले लेक्चर में हम और भी इस तरह के सारी ग्रुपिंग्स को डिस्कस करेंगे. आई थिंक इसके भी 6 पार्ट्स हो जाएंगे, ये वाले सीरीज के भी आई थिंक 6 पार्ट्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है. सो सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ 7, G7 कंट्रीज पढ़ा था. उसके बाद नेक्स्ट ग्रुपिंग हमने पढ़ी थी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, बिम्स्टेक पढ़ी थी हमने, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, देन 12th समिट ऑफ अफ्रीका यूनियन. अफ्रीका यूनियन से रिलेटेड, अफ्रीका से रिलेटेड जितने भी न्यूज थे मैंने एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए थे, जैसे कि इंडिया नाइजर को जो पैकेज दे रहा है, उसके बाद हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे बन रहे हैं वो सब हमने कर लिए डिस्कस. उसके बाद हमने आसियान के बारे में पढ़ा था, आसियान लेड फोरम्स जो हैं, जैसे कि आसियान रीजनल फोरम लॉन्च्ड इन 1993 जिसके 27 मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है. इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, रीजनल फोरम का मेंबर है. इंडिया आसियान प्लस 3 का मेंबर भी नहीं है, ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है. एक स्पेसिफिकली आसियान की मीटिंग होती है इंडिया के साथ. सो हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. आई होप आपको पसंद आ रहा है क्योंकि मैं अपनी बहुत मेहनत लगा रही हूँ. अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं वो भी बताइए आप. सो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय.